कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी खुशियों में शरीक हुए। आई एम सो हैप्पी कि हमारा शो तो मुझे ऐसे लग रहा है कल ही शुरू हुआ था, वो मतलब 2.5 साल हो गए, 500 एपिसोड पूरे कर चुका। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। अरे भैया थोड़ा सा, बहुत सारे लोग हैं। कौन है ये? मैं तो जुम्मा जुम्मा भी आया हूँ, 6 महीने हुए। But I really want to say is that मतलब आप जानते हैं कि शो में कितने अप्स एंड डाउन्स हुए, कितने लोग आए गए, बट द ओनली वुमन, ओके, once again, 3 cheers for Kabul at 500 episodes. Hooray! a lot of words because ye hai jo ki thick aur thin dono matlab chahe tufaan aaya chahe aandhi aaya she has stayed she has stuck and she has made the show happen aur yahan 500 tak pahunche hain is only I won't say because of you but you have played a very 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 pivotal part thank you so much KV and I'm so happy having you with me in the show trust me aur main aaj hi KV ke sath discuss kar rahi thi कि असद और जोया का जो हमने सीन किया था कि जहाँ पे असद पहली बार जोया को देखता है वो यहीं पे था, उसके बाद मेरा और आहिल का वो ढाबा जलाने वाला सीन वो भी फिल्म सिटी में ही था। अगेन आज हमने 500 एपिसोड्स पूरे किए हैं और हम फिर से फिल्म सिटी में हैं, तो मेरे लिए तो बहुत सारी पुरानी यादें जो एक बार फिर से ताज़ा हो रही हैं, सो आई एम लाइक राइट नाउ वेरी नॉस्टैल्जिक। लेकिन इस शो के बारे में पहले भी जानता था और मजे की बात यह था जब मैं सौभाग्यवती कर रहा था तब ये शो ऑन हुआ था उसके बाद And I would always wonder because you know she really gained a lot of popularity in the initial months of the show coming on air. और मैं हमेशा सोचता था तब कि यार ये लड़की कौन है जो कि एकदम suddenly इतनी popular हो गई है. तो वो always thought था. मुझे ये नहीं पता था कभी life में कि मैं इस show में lead play करूँगा. Never ever. मतलब मेरे wildest dreams में मुझे ये पता नहीं था. तो मैंने इस शो ऑफ कोर्स और फिर बीच में बहुत सारे सुने कि कोई बहुत सारे एक्टर्स जो निकले फिर दूसरे आए सो एज एन आउटसाइडर ऑल्सो मैंने देखा है अबाउट द शो एंड देन एज अ पार्ट ऑफ इट आई रियली कंसिडर माई सेल्फ बहुत लकी कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ और मुझे रियली सुरभि ज्योति जैसी एक को-स्टार मिली है बिकॉज शी इज़ बाई फार द मोस्ट इट्स सो मच ऑफ फन वर्किंग विद हर मतलब मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई एफर्ट करना पड़ता बिकॉज एक इतना बढ़िया गिव एंड टेक है इसके साथ और आई एम रियली ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ हैविंग सच अ वंडरफुल को एक्टर हैविंग रियली जेन्युइनली आई एम सेइंग गुल को थैंक यू बोलना है जी टीवी को थैंक यू बोलना है अपने सभी को एक्टर्स को थैंक यू बोलना है अपनी टीम को थैंक यू बोलना है मम्मा पापा को थैंक यू बोलना है शानू को फ्रेंड्स को सबको एंड अबव ऑल अपने फैंस को एंड फ्रेंड्स को जो इतना प्यार करते हैं यार मुझे आई मीन आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो मतलब मैं सच में यार इतना मज़ा आता है कि जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ या सुनती हूँ या देखती हूँ कि वाकई में लोग बहुत प्यार करते हैं ट्रस्ट मी गाइस बहुत बहुत अच्छी फीलिंग रियली इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को कमेंट्स भेजते हैं जो आप लोग लिखते हैं फोटोग्राफ बनाते हैं हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं और देखते हैं लिटरली इतने
प्यारे भी प्यारा प्यारा लिखा एक्चुअली हम कभी कभी सेंटिमेंटल हो जाते हैं यार, आई डोंट बिलीव दैट आप लोगों ने ऐसा लिखा, आप लोग ऐसा समझते, आप लोग ऐसा सोचते हैं। सो हम इन पर्सन आप सबसे बात नहीं कर सकते, बट ट्रस्ट मी जो भी आप प्यार से लिखते हैं, बोलते हैं या कुछ भी हम तक कन्वे होता है, जितना होता है मैं उसके बारे में बात कर रही हूं। जो भी लिखते हैं अच्छा बुरा हमें सब कन्वे होता है। सो बी केयरफुल, हम डिलीट भी कर लेते हैं थोड़े कमेंट्स, अच्छे वाले हम रख देते हैं। सो या आई मीन बिकॉज ऑफ यू गाइस आई गेस हम यहाँ तक पहुंचे हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे, ये जर्नी और हैप्पी होगी और सक्सेसफुल होगी और हम आगे बढ़ेंगे। और अभी अजमेर शरीफ जाकर आए और ये उनका आशीर्वाद है। आई थिंक 500 एपिसोड आज मैंने पहली बार पहना है। थैंक्स टू ऑल योर लव योर सपोर्ट, हम जैसे कहते हैं हम आपके सारे मैसेजेस देखते हैं, सब जो ट्वीट्स इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपके सारे कुछ होते हैं हम सब देखते हैं, एंड वी रियली रियली एंजॉय इट, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर लविंग अस और हम लोग को यहाँ तक पहुँचाने तक। सीरियसली दिल से, दिल कोर ऑफ माई हार्ट से थैंक यू सो मच। टेलीविजन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेलीविजन वाला को अभी इसी वक्त।